Hello everyone, good morning. Good morning everyone. 3 मिनट लेट हो गए, सॉरी, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज थे, राइट? रक्स इज नॉट 10:11, इट्स जस्ट 10:03. ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आई कैन सी योर मैसेजेस, काव्या, आयुष, ऋत्वी, पूर्वा, मेघा, रक्ष, अंशिका, शिवम, पूर्वा, यशवी, आयुष, हितल, देवव्रत, श्री, हर्षिता, एवरीबडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, राइट? आप सबकी तबीयत एकदम ठीक होगी. आप लॉकडाउन में भी अच्छे से सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आपकी, राइट? सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन. हम आज का सेशन शुरू करते हैं. And in our last lecture, we had two lectures, one from textbook and one I have made for you separately, right? So again we will see the textbook as well as the things which I have made for you. So we will see both the things, if time permits, we will see both the things today itself, right? So let us start our today's session. I hope you all are ready. In our last session, we have seen about sources of information, that from where we get our from where we get this information, right? The sources of information given to us और तवारीख, राइट? हमने तवारीख के बारे में पढ़ा था, जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, राइट? जिसको हम ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि किस तरह से लिखा गया था, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट? सो वी हैव स्टडीड अबाउट तवारीख, राइट? और उसके अलावा भी, तवारीख के अलावा भी जो कुछ ट्रैवलर्स थे, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो बाहर से उस समय में अपने देश में आए थे, और उन्होंने अपने ट्रैवल लॉग में या फिर अपने जो डायरी है उसमें लिखा था कि भाई जो ट्रैवल डायरी लिखते हैं वो लोग, उन्होंने लिखा है, वो सारी चीज़ों को भी हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, राइट? सो देन वी सॉ अबाउट द डायनेस्टीज, राइट? जो उस दिल्ली को बसाने में, क्यों दिल्ली, वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कि वो एक ट्रेड सेंटर था, सबको दिल्ली चाहिए था, राइट? तो जो दिल्ली में जो चेंजेस आए, और दिल्ली के जो अलग अलग सुल्तान रहे, सुल्तान एक अरेबिक वर्ड है, राइट? और जिसका मतलब होता है राजा, और उसी से ही वर्ड बना है सल्तनत, राइट? तो जो दिल्ली सुल्तान, जो हमारा चैप्टर है, उसमें सबसे पहले दिल्ली में जो पृथ्वीराज चौहान और चौहान वंश का राज था, राइट? चौहान डायनेस्टीज़ का. एंड देन उसके बाद स्लेव डायनेस्टी आई, राइट? उसमें हमने मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा, और मोहम्मद गोरी ने जो अपने गुलामों को वो दिल्ली संभालने के लिए दी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा, राइट? सो आउट ऑफ दैट थ्री स्लेव्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसने क्या क्या किया, वो किस तरह से उसका पोलो में डेथ हो गई, राइट? वो हमने लास्ट सेशन में देखा था. इवन वी हैव सीन अबाउट शमसुद्दीन इल्तुतमिश, राइट? और उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ा, और रज़िया सुल्ताना के बारे में भी हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन से भी, राइट? एंड देन गियासुद्दीन बलबन के बारे में हमने पढ़ा कि उसने क्या क्या किया था, किस तरह से वो, मतलब कितना टैलेंटेड था वो, सबसे 40 में सबसे इम्पोर्टेंट था वो, राइट? और किस तरह से उसने नई पर्शियन कस्टम जो उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको पाइबोज़ा सजदा कहते हैं, राइट? उसके बाद हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, और जलालुद्दीन जो फिरोज़ खिलजी थे, और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, राइट? और अलाउद्दीन खिलजी के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी आर्मी, उसका रेवेन्यू कलेक्शन, राइट? ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे, राइट? देन तुगलक डायनेस्टी,
तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये तुगलक डायनेस्टी यहाँ से पढ़े, इससे चाहे पहले हम एक बार टेक्स्ट बुक पे से देख लेते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, देन विल कम टू कम हियर, राइट। सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर टेक्स्ट बुक। रक्स हम ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं आई थिंक, है ना। और मुझे कुछ मैसेज, ओके सारे मैसेजेस गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडे सेशन। ओके यहाँ से हमारा बाकी था, राइट। सो इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रैली वेंट बियॉन्ड द 45 टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिसंस, राइट। तो गैरिसंस के बारे में हमने हमारे ओल्ड सेशन में भी देखा था कि गैरिसन एक्चुअली होता क्या है। गैरिसन मीन्स एक ऐसी सिटी जिसके चारों तरफ क्या कहते हैं सोल्जर्स हो, राइट। जो सोल्जर्स जिसकी रक्षा करते हैं उसको हम गैरिसन सिटी कह सकते हैं, राइट। सो अ 45 सेटलमेंट विथ सोल्जर, दैट इज कॉल्ड गैरिसन टाउन, राइट। और हिंटरलैंड भी द लैंड एडजस्टेंट टू द सिटी और अ पोर्ट दैट सप्लाई विथ गुड्स एंड सर्विसेज, वो दोनों मीनिंग आपको दिए ही हुए हैं। सो इन द अर्लियर 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हैविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाई गैरिसंस। द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वेयर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर ऑफ फॉर सप्लाईज, राइट। तो सुल्तान जो है उनका जो कंट्रोल होता है वो गैरिसन सिटी के अंदर अंदर ही होता है, तो ज़्यादातर वो बाहर से क्या कहीं ट्रेड या तो ट्रिब्यूट या तो फिर लूट, ये तीन चीज़ों से उनकी सप्लाई चलती थी। मतलब किसी शहर पे उन्होंने युद्ध कर लिया किसी शहर से तो उसको लूट लेना है, राइट। ओके तो वो प्लंडर होता है। ट्रिब्यूट मतलब उनसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम लेते रहना, चाहे उनकी मर्जी से हो चाहे मर्जी से ना हो। और ट्रेड मतलब व्यापार, राइट। सो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इज इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अब क्या होता था कि जो दूर के जो टाउन थे, जो बंगाल और सिंध, राइट, तो कंट्रोलिंग फ्रॉम दिल्ली इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं, रिबेलियन मतलब जो विरोधी होते हैं, राइट, वो लोग, या फिर कभी कभी बैड वेदर और फ्रेजाइल कम्युनिकेशन जो रूट्स का, राइट, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम कर रही थी। सो दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाई मंगल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाई गवर्नर हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस, राइट। और दूसरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तब उस समय में। क्या प्रॉब्लम्स थे कि बार बार मंगल जो थे, मंगोलियन, वो बार बार हमला कर रहे थे। और दूसरा जो रिबेलियन थे, जो मतलब अपने ही राज्य के लोग होते हैं लेकिन वो बात बात में उसका विरोध करते हैं, और थोड़ी सी भी वीकनेस मिलने पर वो वापस युद्ध कर देते, मतलब वो राजा को हटाने की कोशिश करते। तो द सल्तनत बैरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस। सो इट्स कॉन्सोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपांशन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये सारे प्रॉब्लम है ना तब तक रहे जब तक ये गियासुद्दीन बलबन के टाइम तक। फर्दर जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने ना दिल्ली का एक्सपेंशन में बहुत सारे काम किए, राइट। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपिंग अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम्ड एट कॉन्सोलिडेटिंग द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डोआ एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैबिटेट एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज। तो उस समय में इन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने ये किया था कि वे गंगा यमुना दोआब के आसपास में जो फॉरेस्ट थे, राइट, उसको काट दिया गया। उसमें जो भी हंटर्स रहते थे, जो एनिमल जो रखने वाले लोग रहते थे और ये सारे जो थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया। और ये सारी ज़मीन को साफ करके किसको दे दिया गया, वो दे दिया गया एग्रीकल्चर के लिए, और एग्रीकल्चर को प्रमोट कर दिया गया कि भाई एग्रीकल्चर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सेनाएं बहुत बड़ी थी। ये जो
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक है ना, उनकी सेनाएं बहुत बड़ी थी और उनकी सेना के लिए सप्लाई की बहुत ज़रूरत थी। सप्लाई मतलब उनका खाना वगैरह, राइट। तो उस सप्लाई के लिए इनको ज़्यादा खेती की ज़रूरत थी, तो इस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया होगा। सो न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। और ये सारे जो सेना थे उसी की मदद से ये लोग एक्सपांड करते गए। द सेकेंड एक्सपांशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेडिशन इन टू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक। इन दर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो सेकेंड एक्सपांशन जो था उसमें ये लोगों ने क्या किया कि भाई बाहर के जितने भी आसपास के जो एरियाज थे उन पे क्या कहते हैं, अपनी आर्मीज को लेके ज़बरदस्ती उनसे उनके साथ युद्ध किया और उनके यहाँ से जो भी हॉर्सेस थे, स्लेव्स थे, राइट, और जो भी ऐसी प्रेशियस मेटल्स थे, राइट, वो सब वहाँ से लेके आ गए। और बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 आफ्टर सम व्हाट, जस्ट अ सेकंड, यस, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 इयर्स आफ्टर सम व्हाट हम्बल बिगिनिंग्स द आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज, राइट। और जब तक एंड होता गया मोहम्मद तुगलक के रेन का, तब तक उन्होंने बहुत सारे जगह पर युद्ध किए और बहुत सारी सब कॉन्टिनेंट्स को जीत लिया और उनकी आर्मीज को हरा दिया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रेन। तो जैसे कि आपको जस्टिस सर्कल याद होगा, तो ये जो सल्तनत उस समय की थी उन्होंने वहाँ से टैक्सेस लिए और प्रजा के अच्छे हित के लिए उनके जस्टिस के कार्य किए, राइट। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच वास्ट टेरिटरी। अब इतनी बड़ी टेरिटरी पे, राइट, कितना वो कर पाए, राइट, वो हम आगे देखेंगे। अब ये कुछ मस्जिदों के बारे में भी हमने पढ़ा था उस समय में, तो आपको क्या करना है कि ये सारी मस्जिदों की फोटोग्राफ्स तो आपके सामने ही आपके टेक्स्ट बुक में है, आपको क्या करना है कि इन सभी मस्जिद को देखना है और उसमें से कंपेयर करना है सबको कि क्या क्या चीज़ें एक जैसी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, राइट। तो सभी सुल्तान्स की ये जो मस्जिद है और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमने उस समय लास्ट हमारे लेक्चर में देखा था, राइट। सो क्लोजर लुक टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्सोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक, राइट। जो खिलजी और तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं। द कॉन्सोलिडेशन ऑफ द किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिप्टेन एज गवर्नर द अर्ली दिल्ली सुल्तान, राइट। तो जो पहले के जो स्पेशली इल्तुतमिश फेवर देयर स्पेशल स्लेव परचेज फ्रॉम फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन, राइट। ये क्या है बंदगन वर्ड क्या है और ये जो क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि एक्चुअली क्या है कि जो पहले के दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो क्या करते थे कि अपने परिवार के ही कुछ लोगों को एकता सिस्टम, मतलब अपने परिवार के कुछ लोगों को या फिर इम्पोर्टेंट लोगों को कुछ ना कुछ दे देते थे कि भाई ये एरिया पे तुम राज करो, ये एरिया पे तुम राज करो, राइट। और वो खुद ऊपर से सभी के ऊपर कंट्रोल रखता था, राइट, ऐसे करते थे। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया, इन लोगों ने क्या किया कि भाई बंदगण मतलब खरीदे हुए लोग, वो अलग अलग जगह पर से मतलब जहाँ पे भी वो चढ़ाई करते थे वहाँ से वो लोग जो दबे कुचले लोग थे उनको खरीदते थे। खरीदने का क्या उनका मतलब रहता है कि वो उनका पूरा ध्यान रखते हैं और ये लोग क्योंकि वो दबे कुचले हैं और उनका ध्यान रखा जाता है तो उनकी पूरी ईमानदारी उनके राजा के प्रति होती है। तो ये लोग क्या करते हैं और इसको कहते हैं बंदगन। ये मतलब जैसे कि खिलजी में जो मलिक काफूर था, राइट, उसको यहाँ पे गुजरात जूनागढ़ से ख़रीदा गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने गुजरात में जब जूनागढ़ से मलिक काफूर को ख़रीदा था, राइट, तो वो उसके लिए बहुत ही वफ़ादार था। तो उस टाइम के राजा ये मानते थे कि अगर कोई हमारे लिए वफ़ादार है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत आसानी होती है, राइट। तो ये बंदगन उसी का नाम है, अगर हम किसी को ख़रीदते हैं और वो हमारे लिए काम करता है तो उसको बंदगन कहते हैं, राइट।
तो ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है. द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर. सो रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंड चिफ्टेन एज गवर्नर, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन. दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम. अब इनको बहुत केयरफुली ट्रेन किया जाता था. ये जो खरीदे हुए लोग हैं, क्योंकि वो वफादार है, तो इनको बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया जाता था ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, राइट. सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. और क्योंकि वो लोग अपने सुल्तान के ऊपर ही रिलाई होते थे, वो अपने सुल्तान के ऊपर ही क्या कहते हैं उनके सारी चीज़ें, मतलब क्योंकि उनको खरीद लिया गया है, वो उनके गुलाम है, राइट. तो इसलिए वो सुल्तान भी उनके ऊपर भरोसा कर सकता है, क्योंकि वो उसी के ऊपर निर्भर है, राइट. सो स्लेव्स रादर देन सन. अब ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं पहले इसको रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है, राइट. द सुल्तान वर एडवाइज्ड, सुल्तानों को क्या सलाह दी जाती थी, अ स्लेव हुम वन हैज़ बॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुकड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव. वाइस मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज बेटर देन अ सन. देखो ध्यान से सुनो, ये जो गुलाम है, जो बंदगन है, राइट, जो खरीदे जाते हैं, उनका ध्यान, मतलब जब से वो खरीदे जाते हैं तब से लेकर वो जितना जीते हैं तब तक वो सुल्तान उनका पूरा ध्यान रखता है, और वो भी उसके अवेज में वो सुल्तान का ध्यान रखते हैं, राइट. तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं. और जो सुल्तान को क्या सलाह दी जाती है कि जो ये बंदगन है वो अपने खुद के बेटे से भी ज़्यादा अच्छा है, राइट. स्लेव्स रादर देन सन. तो अपने बेटे से भी ज़्यादा अच्छा होता है स्लेव को रखना, ऐसा उनको सलाह दी जाती थी. अब आपको एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, कहते कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन, राइट. ये हम जब गूगल मीट करेंगे, राइट, तब हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वाई स्लेव इज़ बेटर देन सन, राइट. सो लेट अस मूव अहेड. द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगन एंड ऑल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, राइट. तो ये खलजी और तुगलक दोनों में ये बहुत ही कॉमन बात थी कि ये दोनों बंदगन का बहुत ही यूज़ करते थे और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते थे, राइट, एंड टू हाई पॉलिटिकल पोजिशन, और इनको अच्छी पोजिशन देते थे पॉलिटिक्स में. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स. हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. लेकिन इससे क्या होता था, अगर किसी दबे कुचले को या फिर किसी निचले तबके के लोगों को या फिर ऐसे लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाती ना, तो जो ऊंचे तबके के होते हैं या फिर जो बहुत सालों से सुल्तान के आसपास रहते हैं, या तो फिर सुल्तान का खुद का बेटा भी होगा, तो भी उसको बुरा लग जाता कि आई डिजर्व दिस पोजीशन, क्योंकि मैं, मेरा बर्थ अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मुझे, मेरा बर्थ राइट है, मुझे ये चाहिए. तो इससे क्या होता था, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती थी. द स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट टू देयर हायर्स. अब इससे क्या होता था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे कि एक तो सबसे पहला ये था कि जो स्लेव्स है वो अपने सुल्तान के तो वफादार होते थे, लेकिन उनके बच्चे के वफादार नहीं होते थे, राइट. मतलब उनके बच्चों के लिए वो सेम फीलिंग उनके पास नहीं होती थी. स्लेव मतलब गुलाम बेटा, पूर्वा स्लेव मतलब उनके गुलाम. वो क्या करते थे कि गुलाम मतलब आदमियों को खरीदते थे. अभी कहीं पे भी ऐसा नहीं चल रहा है, लेकिन उस समय वो लोग आदमियों को खरीदते थे, जैसे जिस तरह से हम चीज़ें खरीदते उसी तरह से, राइट. तो स्लेव मतलब गुलाम. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू अवर सेशन. देयर स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल. जैसे कि आपको मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप सबने बाहुबली मूवी ज़रूर देखी होगी, राइट. तो जो कटप्पा था, राइट, कटप्पा सैलरी के लिए काम नहीं करता था. कटप्पा बहुत ही फेथफुल था, कटप्पा बहुत ही ईमानदार था, राइट. और उसके ऊपर भी जो जो सीट पे जो राजा था उस पर बहुत भरोसा करता था. मतलब अगर शिवगामी देवी कटप्पा पे बहुत भरोसा करती थी, है ना, आपको पता है. और उसी तरह से कटप्पा उतना फेथफुल भी था, वो अपनी जान भी दे सकता था अपने राजा के लिए, है ना.
तो ये कटप्पा जो था वो उनका स्लेव ऐसा मान सकते हैं, राइट। तो स्लेव एंड द क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर, राइट। जो स्लेव जो है वो उनके मास्टर को लॉयल होते थे, लेकिन उनके हायर्स को, उनके बच्चे को या फिर उनके जो भी भाई के बच्चे या जो भी उनके रिलेटिव्स हैं उनके साथ वो नहीं होते थे, राइट। एंड न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। अब जो नए सुल्तान है, अब सपोज एक सुल्तान के बाद दूसरा सुल्तान कोई बनता है, तो जो नया सुल्तान बनेगा उसके तो अपने खुद के सर्वेंट्स होंगे, तो पुराने सर्वेंट्स और नए सर्वेंट्स दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाते थे, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते थे। एज ए रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी। सो द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारी क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिस। अब ये जो पर्शियन और ये जो जो तवारीख राइटर्स थे, जो लोग ये सब लिखते हैं या फिर, तो उनको भी ये सब शॉकिंग लगा, जो बाहर के लोग थे कि यार ये लोग इतने नीचे तबके के लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट क्यों कैसे दे देते हैं, राइट। तो और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसकी तारीफ भी नहीं की, उन्होंने इसका क्रिटिसाइज़ किया कि भाई ये लो एंड बेस बॉर्न जो है उनको हाई ऑफिस नहीं देने चाहिए, ये जो दिल्ली के जो सुल्तान है वो गलत कर रहे हैं, राइट। सो ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ। देखो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुम्मर अ वाइन डिस्टिलर, राइट। अजीज़ खुम्मर जो है वो शराब का काम करने वाला, मतलब शराब जो सोसाइटी है हमारी उसमें जो शराब डिस्टिलर मतलब जो शराब बनाने वाले जो लोग हैं उनको नीची जाति का माना जाता है या फिर नीचा माना जाता है, राइट। फिरोज हज्जाम अब बारबर, बारबर की भी वैसा ही होता है कि भाई नीचा माना जाता था उस समय में। देन मनका तबक अ कुक और टू गार्डनर्स, गार्डनर्स मतलब माली, लद्दा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ये जो सुल्तान तुगलक है इन्होंने इन गुलामों को अच्छी पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी हुई थी। जियाउद्दीन बरानी अ मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकल रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल। तो ये जो जियाउद्दीन बिरानी है जो मिड 14th सेंचुरी में ये जो तवारीक मतलब हिस्ट्री लिखता था, और उसने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि ये जो सुल्तान है उसका ये मिस जजमेंट है, इनके नीचे लोगों को ऊपर की पोस्ट देना ये बहुत ही गलत है और वो उसकी इनकैपेबिलिटी मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं किया उसने ऐसा, उस जो रूल करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, राइट। तो इसका क्वेश्चन भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, राइट। सो लाइक द अर्लियर सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज, राइट। तो बाकी के सुल्तानों की तरह भी खलजी और तुगलक दोनों ने क्या किया था, दोनों ने क्या किया था कि भाई मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट किए थे और अलग अलग टेरिटरीज दी थी उनको। दिस लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड एज इक्तदार और मुक्ति। तो ये इक्ता सिस्टम हमने पढ़ा था कि भाई सोल्जर्स को अलग अलग लैंड के हिस्से दिए जाते थे, उस लैंड को वो लोग संभालते थे, राइट। वहाँ से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो सोल्जर, तो इसको कहते हैं इक्ता सिस्टम, राइट। तो ये जो खिलजी और तुगलक ने भी क्या किया था कि इसी तरह से जो इक्ता को दिया जाता था और वो जो जिसको इक्ता दिया जाता था, जिस सोल्जर को जिस कमांडर को वो इक्ता दिया जाता था उसको इक्तदार कहा जाता था, राइट, और मुक्ति भी कहा जाता, इक्तदार और मुक्ति दोनों सेम है। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, मतलब उनकी जो लैंड है, लैंड को इक्ता, लैंड को संभालने वाला इक्तदार या फिर मुक्ति, और मुक्ति का काम है कि उसका जो इक्ता है उसके जो लैंड है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू फॉर द देयर असाइनमेंट एज सैलरी। अब मुक्ति का क्या करते थे वहाँ से, मुक्ति क्या करते थे वहाँ से, वो लोग रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे और उनको उस काम के लिए सैलरी मिलती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू, और वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको भी इसी रेवेन्यू से पैसा दिया जाता था। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज ऑफन इफेक्टिव इन देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे आर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड
दिस हार्स कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगरसली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। देखो ये सबसे अच्छी बात थी। अब क्या होता था कि पहले क्या होता था, अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को या अपने सक्सीडर को अगर उसने ये दिया है कि भाई तू इतने राज्य चलाना, अपना इतना इतना राज कर लेना, तो उससे क्या होता था कि भाई उसका बेटा फिर उसका आगे चला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि भाई ये जो इकतदार है, जो मुक्तीस है, उनका बार बार ट्रांसफ़र किया जाता था, राइट, एक जगह से दूसरी जगह, और उनको उनके काम की सैलरी मिल जाती। तो ये सारा जो कंट्रोल है इस वजह से राजा के हाथ में ही रहता था। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये तरीका है वो किसका किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का और मोहम्मद तुगलक का, राइट। सो अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस। अब इसके लिए एक स्पेशल अकाउंटेंट्स रखे गए थे, वो टाइम टू टाइम जाते थे और जाके चेक करते थे कि भाई रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रहे हैं वो मुक्ति सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं है। एंड केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और ये भी ध्यान पूरी तरह से रखा जाता था कि जो राजा डिसाइड करता है, जो स्टेट डिसाइड करता है, वही वही अमाउंट ऑफ टैक्स प्रजा से लिया जाए। और दूसरा, क्योंकि उनके पास कुछ सोल्जर्स भी थे, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स भी राजा डिसाइड करते थे कि इससे ज्यादा सोल्जर्स उस जगह पर नहीं होने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर फिर क्या हो जाता, अगर ये सब अलाउ कर दिया जाता कि भाई वो अपने हिसाब से टैक्सेस लेते या फिर अपने हिसाब से सोल्जर्स रखते, तो हो सकता है कि उसके मन में लालच आ जाता और वो राजा की गद्दी छीनने का कोशिश करता। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा माना जाता है। देखो इन्होंने कितना सोचा कि उनके पास जो सोल्जर्स है वो कितने होने चाहिए, वो टैक्सेस किस तरह से कलेक्ट करेंगे, ये सब डिसाइड राजा ही करेगा, राइट। और टाइम टू टाइम उनके पास अकाउंटेंट भेजे जाते थे ताकि वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक कर सकें। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftain, the Samanta aristocrat and rich landlord to accept their authority, right? तो ये जो बाहर की जो सिटीज थी, हिंटरलैंड, हमने अभी भी जो पढ़ा कि जो बाहर का जो एरिया है, राइट, तो वहाँ पर भी ये धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी अथॉरिटी जमाना शुरू कर दिया और वहाँ के जो बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, राइट, उनको भी अपनी अथॉरिटी के अंडर ले आए। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असाइसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल एंड द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेन टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, राइट। तो जो लोकल चीफटेन थे, मतलब जो छोटे मोटे जो राज करने वाले या फिर लैंडलॉर्ड्स थे, उनके उनके अभी जो राइट था कि जो टैक्सेस लेने का, वो उन्होंने उनसे भी छीन लिया और उनके ऊपर भी टैक्सेस लागू कर दिए गए, राइट। एंड द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुली अकाउंट्स। और पहली बार मतलब ऐसा हुआ होगा कि किसी लैंड को मेजर किया गया होगा और उसके अकाउंट्स रखे गए होंगे, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी और अच्छे से हो रही थी। सो सम ऑफ द ओल्ड चीफटेन एंड द लैंडलॉर्ड सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर एंड असेसर्स, राइट। तो जो चीफटेन थे, जो कई कई जगह पर क्या किया गया कि जो पहले वहाँ पर टैक्सेस लेते थे, राइट, उन्हीं को ही वहाँ का चीफ बना दिया गया कि भाई तुम लोग वहीं से टैक्सेस लेके हमारे लिए अब वही काम करोगे जो तुम इतने सालों से कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी टैक्सेस लागू कर दिए गए थे। तो सम ऑफ द ओल्ड चीफटेन एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड एज अ सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर, राइट। देर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस समय में तीन टाइप के टैक्सेस थे, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, राइट। तो मतलब जो किसान है उसकी जो टोटल अमाउंट का जितना जो मतलब टोटल उसका जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है, राइट, वो जो भी उगाता है उसका 50% मतलब उसका आधा उसको सल्तनत को दे देना है। ऑन कैटल्स मतलब एनिमल्स जो भी रखते हैं वो लोग, राइट, उनके ऊपर। और हाउसेस, तीन टाइप के टैक्सेस थे, राइट, एक एग्रीकल्चर पे, एक कैटल्स पे और हाउसेस पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट एंड इवन इन द गंगेटिक प्लेन देर वर फॉरेस्टेड एरियाज द सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनिट्रेट।
So local chieftain established their rule in this region, and sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in this area, but only for short ड्यूरेशन. तो कुछ जो बाहर के हिस्से थे, मतलब जब दक्षिण में, मतलब दिल्ली में, सॉरी साउथ में भी जब उन्होंने जीत लिया, तो अब सब जगह पर ये कंट्रोल रख पाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया. और जो दूर दूर के थे, जैसे कि बंगाल से, दिल्ली से बंगाल का कंट्रोल बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था, और साउथ इंडिया में भी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही थी. और उसी के साथ साथ जो गंगेटिक प्लेन थे, मतलब गंगा रिवर के आसपास के जो प्लेन्स थे, वहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया थे. और उस फॉरेस्टेड एरिया में क्या था कि भाई, जो सल्तनत की आर्मी है उसको घुसना और निकलना बहुत ही मुश्किल था. मतलब उसके तो वहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे रूलर्स थे उसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल. कभी कभी ये मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि वो बहुत बड़ी और सक्षम आर्मी थी, तो कई बार वो अंदर घुस के कंट्रोल ले भी लिया, लेकिन ये कंट्रोल भी बहुत ही कम समय तक रहा. मतलब वो जीत लेते थे, लेकिन फिर से वो लोग वापस अपना बना लेते, क्योंकि उसमें जाना आना करना बहुत ही मुश्किल था. तो उसके बारे में क्या लिखते हैं, देखो, चिफ्टन एंड देयर फोर्टिफिकेशन. इब्ने बतूता इज अ ट्रैवलर. इब्ने बतूता इज अ नेम ऑफ अ ट्रैवलर ऑफ अ 14th century, मतलब 1400 जो ईयर्स थे, जब अभी 2021 चल रहा है, तो 1400 के टाइम पे ये इब्ने बतूता एक ट्रैवलर है जो मोरक्को से यहाँ आया हुआ था. तो उसने क्या एक्सप्लेन किया है, दैट फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन माउंटेन, इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस, एज वेल एज इन बाम्बू ग्रूव्स. जो चिफ्टेन थे ना गंगेटिक प्लेन्स के अंदर, तो वो अपने आप को चारों तरफ से, जैसे माउंटेन के बीच में, या फिर अनइवन रग्ड प्लेसेस, या फिर बाम्बू ग्रूव्स के बीच में, बाम्बू मतलब ये जो बांस होता है ना, उनके बीच में वो लोग अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखते थे. और इन इंडिया द बाम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज बिग. और भारत में क्या होता है, ये जो बाम्बू है बीच में से ऐसे हॉलो नहीं होते, वो बड़ा होता है. एंड इट सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवीन्ड दैट इवन फायर कैन नॉट इफेक्ट देम. और वो अंदर अंदर इस तरह से गूंथ के उठते थे कि वो इवन फायर, एक बार आग भी लग जाए तब भी उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड देवर ऑन द होल वेरी स्ट्रांग. और इसी वजह से ये चारों तरफ से बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन में थे. एंड द चीफ टेन लाइव्स इन दिस फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पैट्स एंड इनसाइड विच आर देयर कैटल्स एंड देयर क्रॉप्स. तो इस ये जिस तरह से ये चिफ्टेन्स अंदर रहते थे, ये जो मुखिया अंदर रहते थे, वो इस तरह से रहते थे कि उनको सारी ज़रूरतों की चीज़ें अंदर ही मिल जाती थी, उनके कैटल्स, उनके क्रॉप्स, एंड देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, एंड देट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर. हेंस दे कैनॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट बाई पावरफुल आर्मी. और इसी वजह से वो अपनी जगह से बाहर आने के लिए उनको कोई प्रेशर नहीं है, उनके सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें अंदर ही उनको मिल जाती है, और बाहर से अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था. तो इसी वजह से कोई पावरफुल आर्मी ही इसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर जा सकती है. हु एंटरिंग दिस फॉरेस्ट एंड कट डाउन द बाम्बूज विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट्स. और उन्हीं से ही इसको हराना पॉसिबल था, राइट. उसके बाद में हम देखते हैं द मंगोल्स अंडर द चंगेज खान, राइट. ये गेंगेज खान जो है, वो चंगेज खान भी कहते हैं इसको, गेंगेज खान भी आप पढ़ सकते हैं. इन्वेडेड ट्रांसॉक्सियाना, राइट, ट्रांसॉक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1290, एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत एंड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रूल. तो ये जो मंगोल्स का जो इन्वेंशन है, मंगोल्स जो है वो हमला करने लग गए 1219 के वहाँ उस समय में. और उसमें क्या हुआ कि दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली. अब इस इन्वेंशन की वजह से क्या किया गया कि ये दोनों जो रूलर्स थे, काफ़ी अच्छे रूलर्स थे, काफ़ी अच्छा अच्छा काम कर रहे थे, राइट. तो अपना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स दिखा रहे थे, तो इन लोगों को एक और स्किल दिखानी पड़ गई, इनको और ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़ गई. और इस वजह से, ये मंगोल्स के वजह से ही इन लोगों ने अपने आर्मी को बढ़ाया. So this forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. और इस वजह से दिल्ली में बहुत सारी आर्मी को बुलाना भी पड़ा. And let us see how two sultans dealt with this. तो दोनों सुल्तान का ये मंगोल्स के ऊपर का जो क्या कहते हैं, मंगोल्स को टैकल करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया हुआ है. Let us see what they did. Right?
सो दोनों का दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, दोनों का डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का देखिए, दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस इन 1299 1300 एंड 1302 1303 के बीच में दो बार अटैक हुआ दिल्ली के ऊपर। एंड एज ए डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और उसी वजह से डिफेंसिव मतलब बचाव के रूप में बचाव करते हुए उस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि बहुत बड़ी आर्मी स्टैंडिंग आर्मी को दिल्ली में रख लिया। अब मोहम्मद तुगलक का क्या व्यू है, द सल्तनत वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन, द मोंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एंड अटैक एंड ऑन ट्रांसॉक्सियाना एंड ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अब इसने भी आर्मी बड़ी बनाई लेकिन इसका जो व्यू है वो डिफेंसिव नहीं, वो अटैकिंग है। इसने एक बार तो मंगोल आर्मी को हरा भी दिया और फिर उसने आगे का प्लान भी बना लिया कि भाई जो मंगोल जहाँ से आए हुए हैं वहाँ पे भी जाके हम ट्रांसऑक्सियाना में जाके हम लड़ेंगे और उनको भी हम जीत लेंगे, राइट। क्योंकि उसको अपने आर्मी पे बहुत कॉन्फिडेंट था और उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत ही यकीन था। अब अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी फॉर हिज सोल्जर्स, राइट। तो अलाउद्दीन ने सोल्जर्स के लिए एक नया टाउन बना दिया जिसका नाम रखा सीरी, राइट। हमने वो मैप में भी देखा था, राइट। और गैरिसन टाउन बना दिया, और इसने क्या किया, रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज ऑफ दिल्ली, राइट, कुना वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेसिडेंट एंड द सोल्जर गैरिसन देयर, द रेसिडेंट ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ। इसने कोई सिटी नहीं बनाई, इसने एक डिसीजन लिया जो कि बाद में इसको बहुत भारी पड़ा, राइट। इसने क्या डिसीजन लिया कि भाई हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक गैरिसन टाउन बनाने के बजाय हम किसी सुरक्षित प्लेस पे, मतलब पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी अपनी जब जहाँ जहाँ अपना राज्य है तो जहाँ पे सुरक्षित राज्य है वहाँ पे हम हमारी सारी जो भी पॉपुलेशन है, मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो इन लोगों ने, ये जो मोहम्मद तुगलक है, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम लोग दिल्ली कुन्हा से साउथ की ओर, राइट, सारे रेसिडेंट्स को साउथ की ओर दौलताबाद में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब हमारा कैपिटल जो है वो दिल्ली की जगह पे दौलताबाद हो जाएगा। सो दस राइट, तो ये इसका डिसीजन था। अब ये डिसीजन के बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या हुआ था इस डिसीजन की वजह से। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या डिसाइड किया था कि भाई द सोल्जर हैड टू बी फेड, राइट, सोल्जर को खाना चाहिए, अगर सोल्जर बड़ी आर्मी है तो ज़्यादा खाना चाहिए। तो दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो आपको पता ही है कि हमने अभी भी पढ़ा था कि गंगा और यमुना के वहाँ के जो डिफॉरेस्टेशन किया गया था, उनके फॉरेस्ट के साफ करके उनके यहाँ पे जो भी हंटर्स वगैरह थे उनको खदेड़ दिया गया था और उन सभी को एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए ज़मीन दे दी गई थी, किसको, किसानों को। तो तब उन्होंने क्या किया था कि वेट 50% टैक्स फिक्स कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खेती को प्रमोट किया ताकि उनकी जो आर्मी है वो अच्छे से उनको फूड सप्लाईज पहुंच सके। सो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स। अब इनका क्या कहा, इन्होंने क्या किया था कि जो एरिया है, इन्होंने तो एक प्लेन मतलब स्पेशली एग्रीकल्चर को प्रमोट करके फिर टैक्सेस बढ़ाए, इन्होंने तो जो जिस एरिया से वो जिस एरिया में वो राज कर रहे थे उसी में टैक्सेस बढ़ा दिए, और प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स फीड द आर्मी टू फीड द आर्मी बट टू मीट द एक्सपेंसिस एंड टू ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्स। और इनको सैलरी वगैरह, दोनों सैलरी देते थे, तो सैलरी वगैरह देने के लिए और ये सब करने की वजह से इस सुल्तान ने क्या किया कि तुगलक ने क्या किया कि और टैक्सेस एडिशनल डाल दिए। तो पहले वो लोग जो प्रोड्यूस होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो तो ले ही रहे थे, उसके अलावा भी उन्होंने टैक्स लेवी किए, और उसी समय में इसकी किस्मत खराब थी, दिस coincided with famine in the area, उसी समय में सूखा हो गया, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कम हो गया, राइट। तो सूखा भी हो गया तो प्रजा के पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, तो इसकी किस्मत भी खराब रही। द सोल्जर हैड टू बी पेड, अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रादर देन इक्ता। तो अलाउद्दीन क्या करता था कि एकता के बदले वो क्या करता था, सैलरी देता था सबको। द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम द मर्चेंट्स इन दिल्ली। तो सोल्जर क्या करते थे कि उनको जो सैलरी मिलती थी पैसे,
उसी से वो बाजार से अपने लिए चीज़ें खरीदते थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब देखो बाजार से इतने सारे सोल्जर, बाकी सबको एकता मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि एकता मतलब वो इकतदार बन जाते हैं और अपने जगह पर राज करके वो पैसे वो खाना वाना या अपनी जो भी सप्लाई है उसका इंतज़ाम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि उनको अगर सैलरी मिलती है तो सब लोग अपना अपना खाना खरीदते हैं। अब खाना खरीदने के लिए वो मर्चेंट के पास जाएंगे, राइट, जो ट्रेडर है उसके पास जाएंगे, तो मर्चेंट क्या करेगा, वो अपना बाहु बढ़ा देगा क्योंकि बहुत सारे लोग खाने के लिए डिमांड बढ़ जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया है, देखिए, द सोल्जर वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइसेस, सो टू स्टॉप दिस अलाउद्दीन कंट्रोल्ड द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन दिल्ली एंड प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय द ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट अ प्रिस्क्राइब रेट वर पनिश्ड, राइट। आपको पता ही है कि जिस चीज़ की कमी हो जाती है ना, उस चीज़ के रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, सबको ऑक्सीजन चाहिए था, तो ऑक्सीजन के रेट्स बहुत हाई हो गए थे। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या है कि सबको एकता नहीं मिल रहा है, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको अपनी सप्लाई खुद खरीदनी है, मतलब फूड वगैरह, तो जो वो फूड खरीदने मर्चेंट के पास जाएंगे। अब मर्चेंट के पास खरीदने वाले बहुत सारे हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना रेट बढ़ा देगा। लेकिन वो अपना रेट नहीं बढ़ाए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक रेट फिक्स किया कि कोई भी मर्चेंट इस रेट से ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं बेच सकता। और ये जो अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई मर्चेंट ऐसा करता है कि रेट से ज़्यादा में चीज़ें बेचने की कोशिश भी करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलती है, राइट। तो ये महंगाई रोकने का, देखो अभी हम बहुत बार सुनते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि यार महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, राइट। तो आप सोचते होंगे कि यार सरकार क्या करेगी महंगाई में, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, सबसे पहली बार आप देखिए 1300-1400 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 1300 से 1400 के बीच की, उस समय में भी ये जो महंगाई कंट्रोल करने की जो चीज़ है तब भी होती थी, राइट। तो यहाँ पर उसके उल्टा ये मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, देखो मोहम्मद तुगलक ने कुछ और सोचा है। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर कैश सैलरीज, मोहम्मद तुगलक भी कैश सैलरीज देते थे। तो उसने ये जो प्राइस कंट्रोल करने की बजाय उसने क्या किया, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेस ही यूज टोकन करेंसी, समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, बट मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। इसके पास क्या प्रॉब्लम था, देखो इसने क्या किया कि भाई हम सैलरी देंगे, अब सैलरी देने के लिए उसने क्या किया, एक करेंसी बाहर निकाली सैलरी देने के लिए, ये गोल्ड उस समय में सबसे कीमती माना जाता था, तो इस ये सैलरी देता था गोल्ड में, और गोल्ड के बदले में फूड सप्लाईज मिलती थी। अब इसके पास गोल्ड की कमी थी, तो इसने क्या किया, टोकन करेंसी बनाई, गोल्ड की शॉर्टेज थी, गोल्ड नहीं था, तो इसने क्या, चीप मेटल मतलब जो सस्ते मेटल्स, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के अलावा सस्ते मेटल जैसे कि कॉपर है, राइट, और ब्रॉन्ज है, ये सारी चीज़ों का यूज़ किया। और ये यूज़ किया तो पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दिस कॉइन्स एंड दे वर वेरी स्मार्ट, दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद द टोकन करेंसी, दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफिटेड ईजीली। अब उस समय में क्या हो गया कि जैसे कि आप बहुत बार सुना होगा आपने ब्लैक मनी, राइट, आपने ब्लैक मनी के बारे में ज़रूर सुना होगा कि भाई ब्लैक मनी बहुत बढ़ गया है, ब्लैक मनी बहुत बढ़ गया है, फेक करेंसी बहुत बढ़ गई है। तो उस समय में भी ये जो क्योंकि सस्ते मेटल थे, बहुत सारे लोगों के पास कॉपर वगैरह थे, तो उन लोगों ने उनको गला गला के, मतलब गलाना मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कर देते तो वो लिक्विड जैसा हो जाता, फिर उसको प्रिंट कर दिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ही पैसा बनाना शुरू कर दिया था उस समय में। और उस वजह से क्या हो गया कि वो लोग उसी से अपना टैक्स पे कर देते थे और उस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक का ये जो डिसीजंस है, कौन से डिसीजंस गलत हो गए उसके, राइट। बाकी डिसीजन बहुत अच्छा था, उसने जो सोचा उसकी सोच नई थी, डिफरेंट थी, लेकिन बस वो सही काम नहीं किया उसका, राइट। और आगे देखते हैं, अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट, ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगल इन्वेंशंस। तो अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो बहुत अच्छे थे, राइट, और बहुत अच्छे से काम भी किए और वो सारे सक्सेसफुल भी हो गए,
राइट, उसके चीप प्राइजेस के लिए, मतलब मर्चेंट के ऊपर का कंट्रोल और गुड्स के सप्लाई मार्केट में सबका उसने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव किया, और इसी वजह से वो मंगोल को जो मंगोल्स को मंगोल्स का जो इन्वेंशन है उसको प्रिवेंट करने में कामयाब भी रहा। और मोहम्मद तुगलक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वर फेलियर, दैट जो मोहम्मद तुगलक इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वो फेल हुए गए। क्यों फेल हो गया? कि बिकॉज इस कैंपेन टू कश्मीर वॉज डिजास्टर। जब वो कश्मीर की तरफ गया था देन ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसॉक्सियाना एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। राइट, तो अब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसॉक्सियाना जो वो चाहते, पहले तो उसने मंगोल को यहाँ हरा दिया और वो चाहता था ट्रांसॉक्सियाना को ऊपर इन्वेड करके उसको जीत ले, लेकिन उसको बीच में ही उसको छोड़ना पड़ा। एंड मीन वेल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, और उसने जो ये ऊपर के जो डिसीजन लिए थे वो सारे कॉम्प्लिकेटेड हो गए, वो सारे फेल हो गए। मतलब उसने चाहा कि टैक्सेस बढ़ा दे तो उसके यहाँ पे वो सूखा पड़ गया, वहाँ पे लोगों के पास पैसे ही नहीं थे तो टैक्सेस ही नहीं मिले, तो टैक्सेस नहीं मिले तो रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो सोल्जर के खिलाने पिलाने की कमी हो गई। राइट, और फिर उसने करेंसी छापना चाहा तो सब लोगों ने अपने घर में करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया और उस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, ये सारे कॉम्प्लिकेशन की वजह से इसके जो डिसीजंस है वो सारे गलत साबित हुए। एंड द शिफ्टिंग ऑफ, ये जो शिफ्टिंग था कि फ्रॉम दौलताबाद, मतलब दिल्ली से दौलताबाद सबको शिफ्ट करना, वो भी उसका गलत रहा। कि बिकॉज द रेजिंग ऑफ द टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन। बहुत सारे लोग रिबेल करने लगे कि जब हमारे खाने के पैसे नहीं हम आपको टैक्सेस कहाँ से दें। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और ये जो टोकन करेंसी है उसको फाइनली उनको बंद करना पड़ा। और ये जो शिफ्टिंग था वो भी कामयाब नहीं रहा क्योंकि इतना सारा शिफ्टिंग सही से हो ही नहीं पाया। राइट, सो इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर, ये सारे जितने भी डिसीजन थे मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर हुए, एंड वी समटाइम्स फॉरगेट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत द दिल्ली सुल्तान प्लान्ड ए कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी। राइट, लेकिन इन सब में हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो मोहम्मद तुगलक है, भले उसने बहुत सारे डिसीजन लिए और सारे ही फेल हुए, लेकिन वही एक था जो चाहता था कि भाई मंगोल टेरिटरी को भी हम कैप्चर कर लें, वो लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, मोहम्मद तुगलक्स मेजर वर कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। राइट, और अब देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी का, उसका डिफेंसिव था। राइट, वो चाहता था कि भाई प्रोटेक्टिव मतलब मेजर था, लेकिन इसका अटैकिंग मेजर्स था। वो चाहता था कि वो जो मंगोल्स हैं उनको भी जीत लें। राइट, तो द सल्तनत इन द 15th and 16th century में क्या हुआ था। राइट, वो हम अब हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कल के वाले सेशन में। उससे पहले, कल के वाले सेशन में हम देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी हमने जो पढ़ा है कि भाई ये जो तुगलक डायनेस्टी है, राइट, उसमें कौन कौन से राजा आए थे और ये टोकन करेंसी वगैरह जो अभी हमने पढ़ी है वो सारे एक बार कल हम फिर से एक बार देखेंगे, उनके अच्छे डिसीजन, उनके गलत डिसीजन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, वो सब देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम टेक्स्ट बुक का ये जो लास्ट सेशन है वो भी हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो फॉर नाउ टुडे, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, आई होप यू हैव एन्जॉयड टुडे सेशन। आज का सेशन आपने अच्छे से एन्जॉय किया होगा। राइट, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट्स हैं, मैं देख रहा हूँ किसी को भी कोई डाउट्स अभी तक पूछा नहीं है, और एक डाउट पूछा था तो वो मैं ऑलरेडी ड्यूरिंग द सेशन ही कंप्लीट कर चुका हूँ। राइट, सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर वैकेशंस एज वेल एज स्टडीज। आप अपने वैकेशन को और स्टडीज दोनों को एंजॉय कर रहे हो एंड आपको मज़ा आ रहा होगा। राइट, पढ़ने में भी और बहुत सारी चीज़ों में, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, एंजॉय भी करिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी करिए और घर में रहिए। राइट, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वन मोर थिंग, कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वो रेड बटन है सब्सक्रिप्शन का, राइट, उसको क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने इस सेशन को थोड़ा सा भी आगे से मिस कर दिया